फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू बोडा बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगा। इस तरह से अगर आप आलू बोडा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और चटपटा बनेगा। और ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम आलू बोडा बनाते हैं बाहर से अच्छी कोटिंग नहीं आ पाती है बेसन की। इस तरह से आप बनाकर देखिए, कोटिंग भी अच्छी आएगी और अच्छा क्रंच भी आएगा। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है सरसों का, और जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे, और इसी के साथ हम एक चम्मच इसमें राई डाल देंगे। और इसको हमने अच्छे से तड़कने देना है, और जब ये अच्छे से तड़क जाए तब हम इसमें, हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक को कूट लिया था और हरी मिर्च काट ली थी दो, इसको हमने इसमें डाल देना है। और इसको भी हमने अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो पूरा निकल जाए। और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है। ये देखिए, ये अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर दो प्याज काट ली थी बारीक बारीक, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। और प्याज को भी हमने इसी के साथ भून लेना है अच्छे से, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए और प्याज हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, तो हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें फ्रेंड्स आलू डाल देंगे। यहाँ पर हमने दो आलू को उबाल लिया था, इसमें दो सीटी लगा दी थी हमने। उसके बाद हमने इनको आलूओं को ग्रेट कर लिया था। ये देखिए, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आलू में हमारा मॉइस्चर रह जाता है, आलू गीले रह जाते हैं जब हम बॉईल करते हैं। तो उसके लिए आपने इसे थोड़ी देर इन्हीं मसालों के साथ 2 से 3 मिनट इसमें पकाते रहें, तो ये आलू हमारे ड्राई हो जाएंगे, एकदम से गीले नहीं होंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले मिला देते हैं। मसालों में हमने बस एक चम्मच इसमें चाट मसाला मिलाना है, और आधी चम्मच नमक, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं मिलाएंगे इसमें। ये देखिए, मसालों का हमने बहुत कम यूज़ कर रखा है इसमें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिला देना है। चाट मसाले से क्या होगा फ्रेंड, एकदम चटपटा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, तो ये हो चुके हैं हमारे। ये देखिए, इसने इन्होंने जो पैन है उसको भी छोड़ना शुरू कर दिया है। आलू हमारे अच्छे से हो चुके हैं, तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे चम्मच से थोड़ा हिला लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड, जब तक ये ठंडे होते हैं। तब तक यहाँ पर हमने एक चीज़ का स्लाइस ले लिया है। ये देखिए, आप कोई से भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। हमने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ नहीं कर रखा है, यहाँ पर हमने स्लाइस चीज़ का यूज़ कर रखा है। इसको आपने इस तरीके से तोड़ लेना है। ये देखिए, इसके छोटे छोटे बॉल्स टाइप के बना लेने हैं। इसको भी हम साइड रख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम 1 कप बेसन लेंगे, और इस पर हम 1/2 चम्मच नमक मिलाएंगे, और यहाँ पर 2 पिंच हल्दी मिला देंगे। हल्दी हम यहाँ पर कलर के लिए मिला रहे हैं। उसके बाद हमने 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन मिला देनी है। अजवाइन से जो है डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपने इसमें पानी मिलाना है, और इसका एक पहले थिक बैटर बनाएंगे। स्टार्टिंग में हम थिक बैटर बनाएंगे, उसके बाद हम बैटर की कंसिस्टेंसी देखेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो ये देखिए, आपने इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक इस तरीके से फेंटना है। ये देखिए, जब आपका जो बैटर है थिक होगा तब इसमें लम्स भी नहीं रहेंगे जब आप इसे फेंटेंगे, आप इसे हाथ से ही फेंट सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और जो हमारा बैटर है वो तैयार है बेसन का। इसको भी हम साइड रख देंगे। उसके बाद हमारे आलू जो है ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। ये देखिए, उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे बाउल्स लेने हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इसको हाथों में रोल कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको दूसरे हाथ में रख के बीच से दबाना है। ये देखिए, इस तरीके से बीच से दबाना है, और इसके बीच में आपने चीज़ डाल देनी है, जो हमने चीज़ के बाउल्स बनाए थे ये आपने इसमें डाल देना है, और इसे बंद कर देना है। इसी तरीके से आपने सारे जो बॉल्स हैं बना लेने हैं, आलू बोंडा आपने बना लेने हैं सारे। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे बना लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है तलने की। तलने से पहले हमने इसको बैटर में इस तरीके से डिप करना है। ये देखिए, और चम्मच से ऊपर से डाल देना है इसमें इस तरीके से, और इस तरीके से उठा के आपने इसे डायरेक्ट तेल में डाल देना है। तेल हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही। तो ये देखिए, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म है। उसके बाद आपने एक एक करके ये आलू बोंडा इसमें डाल देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसे लो टू मीडियम रख देना है फ्लेम को। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं, हमने यहाँ पर 5 पीस डाल रखे हैं अभी। उसके बाद इसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, और जो किनारे किनारे से ये एक्स्ट्रा जो हमारा बेसन है इसको हम निकाल लेंगे। इसको आप रायते में या बूंदी लड्डू में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हाफ डन हो चुके हैं। इनको हम इस स्टेज पे निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हमने सारे आलू बोंडा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, उसके बाद हमने इसे दोबारा फ्राई करना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम ये क्रिस्पी बनते हैं, एकदम क्रंची बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो पहले आप एक बार हाफ डन कर लीजिए, उसके बाद आपने इनको एक बार और फ्राई करना है जिससे ये एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम से क्रिस्पी बन चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 मिर्च ले ली है। मिर्च में हमने बीच में हल्का सा स्लिट कर दिया है और इसको हमने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा। तो ये देखिए, हमारी मिर्च जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आलू बोडा के साथ मिर्च का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए, हमारे सारे आलू बोडा बन चुके हैं और उसके साथ हमने मिर्च भी फ्राई कर ली है। इसको भी हम इसी में रख देंगे। तो मैं आपको अभी एक आलू बोडा तोड़ के दिखाता हूँ। एकदम चीज़ी बना हुआ है अंदर से, बाहर से एकदम क्रंची, अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।